प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक अहमद लाइसेंस मुअत्तल होने के बावजूद अपने ओहदे पर बराजमान है। सेटिस्फैक्टरी जवाब मिला है कि महंगाई का कोई हल वो करने जा रहे हैं या फिर होगा? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ मौजूद हैं लगारी साहब। आज मेरा गला कुछ ख़राब है तो एक्सक्यूज़ माई वॉइस क्योंकि आई हैव टू डू इट। लगारी साहब, वज़ीरे आज़म इमरान ख़ान ने आज खिताब किया, जो उन्होंने बातें की हैं, मसाइल महंगाई, तालीम पर तवज्जो, कर्ज़े, खसारा, रुपये की कदर का गिरना, अब रुकना, सबसे पहले महंगाई पर आ जाते हैं। सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिला है कि महंगाई का कोई हल वो करने जा रहे हैं या फिर होगा? नहीं, देखें, इस तरह की बातें वो पहले भी करते रहे हैं, उनकी टीम भी करती रही है। ये कोई ऐसी नई बात नहीं थी जिसको हम समझें कि जनाब उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है जो बहुत एक्सक्लूसिव है और जिससे वो लोगों के मसाइल हल करने जा रहे हैं। उनके पास लॉलीपॉप है, यही रखा हुआ है, यही गुफ्तगु उन्होंने करनी है। अगर आज की है फिर कल करेंगे, फिर परसों करेंगे, कुछ भी नहीं है उनके पास लोगों को देने के लिए। ये बहुत ही लच्छेदार किस्म की तकरीरें हैं, आज़ादो शुमार का गोरख धंधा और अपना मुल्क की जो शरह नमू है उसको ऐसे ले जाना कि जैसे बस अब दौड़ते हुए वो इंडिया और बांग्लादेश को क्रॉस करने वाली, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हमारे पास गुर्बत की शरह हुई है, लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं और गवर्नेंस का टोटल एब्सोल्युटली क्रैप्स हो चुका है। इनके दौर में कोई गवर्नेंस नहीं है और करप्शन उरूज पर है, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन हर जगह पर, पटवारी से लेकर ऊपर तक और कांस्टेबल से लेकर ऊपर तक और डिपार्टमेंट्स में सोचा जहां नहीं जा सकता था कि वहां होगा। अल्लाह ना करे ऐसा बुरा वक्त आ गया है कि एजुकेशन में, बैतुल माल में, ज़कात में भी जहां इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनकी तकसीम में भी वो बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। हमें इन चीज़ों के बारे में जितनी भी मीठी गोलियाँ दी जाती हैं वो हमें हजम नहीं होती हैं। अभी उन्होंने बोला कि अपोजिशन मार्च कर रही है 23 मार्च से, उन्होंने कहा है कि अगर मैं बाहर निकला तो इससे ज़्यादा लोग बाहर निकलेंगे, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ तो ये अच्छी बात है। निकलें, अब लोग जिस तरह से इनको तलाश करते फिर रहे हैं कि वो इमरान खान कहा है जो जुलाई 2018 से पहले का था, वो तो देखना चाह रहे हैं, वो ज़ियारत करना चाह रहे हैं उन इमरान खान साहब की जिन्होंने लोगों को ख्वाब दिखाए थे, जिन्होंने लोगों को बताया था कि मैं इन क्राप्टोले का जो है वो मैं इनको नस्व नाबूद कर दूंगा। इनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ भाई, आपने किसको क्राप्टोला कहा था और आज तक कह रहे हैं? आपने किसी का क्या हिसाब कर लिया? आपने जिन लोगों से रिकवरीज किए हैं वो लोग हैं जो इनमें से नहीं हैं जिनको आप क्राप्टोला कहते थे। क्या आपको हासिल हुआ है किसी भी ऐसे शख्स से जिसने, जिसके बारे में आपका इल्ज़ाम था कि उन्होंने करप्शन किया? नो, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कल लगा रहे थे, परसों लगा रहे थे, तरसों लगा रहे थे, इख्तदार में आने से पहले लगा रहे थे, इख्तदार में आने के बाद लगा रहे हैं, इल्ज़ाम हैं। आपने कोई चीज़ किसी के खिलाफ साबित नहीं की है इस वक्त तक, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड। 70 साल का बिगाड़ था, जो कह रहे हैं एक स्विच ऑन करने से तो नहीं ठीक हो सकता ना। अगला टेन्योर भी उन्होंने कहा, मैं आज बता रहा हूँ कि हमारा है। भाई अगर आप उसी इंतजाम से आते हैं जिस इंतजाम से अब लाए गए हैं तो ठीक है, आ जाइए, 10 बार आ जाइए, कौन होगा आपको रोक लेगा? अगर एक मैकेनिज्म आपको लाने के लिए बेताब है दोबारा लाने के लिए और इस मुल्क के साथ यही हशर होना है तो फिर ठीक है, कर लें आप। आपका ख्याल ये है कि किसी को भी, मैं यही कहता हूं कि एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान की सिर्फ इस बात को देखे कि वो अपने मफाद को देख रही है, बहुत पिटी, बहुत छोटे मफाद को, या पाकिस्तान के वसीतर मफाद को देख रही है, नहीं देख रही है जो जो इस अपने ताकत के मराके समझे जाते हैं वो पाकिस्तान के ग्रेटर इंटरेस्ट को नहीं देख रहे हैं। और अगर ये इतने धड़ल्ले से बोलते कि मैं दोबारा आ रहा हूं, इस किस कारकर्दगी की बुनियाद पर क्या डिलीवर किया है इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को? क्या दिया है इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को? भूख, अफलास, नंग, बीमारी, यह दिया है इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को? लगारे साहब, वो तो ये भी बोल रहे हैं कि ताजरों से मीटिंग करने जा रहा हूँ, बड़े अच्छे अच्छे फैसले किए हैं, फैसले वो कर रहे हैं जिनके नतज देर पाए, ऐसा नहीं कि वक्ती तौर पर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपने एहसास राशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, टैक्स कलेक्शन बढ़ रही है, लोगों की मदद करेंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में 980। इतनी शर्म आती है ये सुनते हुए जब हम टीवी अपना टेलीफोन पर आवाज़ सुनते हैं कि अगर आपकी आमदनी 50,000 से कम है तो हम आपको 1,000 रुपये का फुला नमक में, मिर्चों में आपको जो है हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये इस तरह के जो आप चला रहे हैं मैसेजेज, ये चलाने के मैसेजेस हैं।
किसकी आमदनी? 50,000 आमदनी वाला आदमी खुश किस्मत है, या उसको समझते हैं कि हम उस गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं? पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी जो है वो 20,000 से कम ले रही है, 15,000 से कम ले रही है, 10,000 से कम ले रही है। फी का शरह आमदनी पाकिस्तान के मासस की बहुत कम। सब कर्जों का बोझ तो था ना, अब उससे ज्यादा हुआ है। जो माजी में कर्जे लिए गए उन कर्जों के हुजम के बराबर कर्जा इन्होंने लिया है, वो तो बताए ना, उन्होंने लिए थे। किसी के दौर में 8,000 अरब रुपए तक गए थे, किसी के दौर में जो है वो 22-23 अरब तक गए थे। इनके दौर में तो कर्जों का वो हुआ है कि जो माजी में सारे कर्जे ले गए उनके बराबर कर्जे तो इन्होंने ले लिए। भाई आपने किस लिए फिर कर्जे लिए जब दोनों दूसरों ने कर्जे लिए थे? तो सही उतने ही कर्जे आपने लिए। बिल्कुल। अच्छा तो लगारी साहब, उन्होंने ये भी बोला है कि यूरोप के अंदर 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का, जर्मनी में रिकॉर्ड टूटा है, तो यहाँ भी महंगाई हो तो होनी थी ना फिर? अरे यार, आप अपना मुकाबला जर्मनी और बर्तानिया और अमेरिका और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से क्यों करते हैं? आप अपना मुकाबला करें बराबर में आपके जो मुल्क हैं साउथ एशियन कंट्रीज के साथ करें, वहां क्या आपका मुकाबला है? इंडिया में क्या हुआ है? इंडिया हमारे सामने हमारा दुश्मन है। मैं ऐलानिया ये कहता हूं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और इंडिया का वजीर आजम दुनिया का एक दहशत गर्द वजीर आजम है, ये मैं कहता हूं। लेकिन इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। इंडिया जर्मनी को, जापान को, बर्तानिया को, फ्रांस को पीछे छोड़ गया है। कनाडा ऑस्ट्रेलिया उसके पास भी नहीं भटकते हैं, और इंडिया वो था जो गरीब तरीन मुल्क में पाकिस्तान से भी पीछे था। तो लगारी साहब आगे ग्रोथ रेट 5 point something कैसे होगा फिर? आप फिगर बना लें, हमें इसमें क्या है, आपकी मर्जी है जो फिगर दे दें। इंटरनेशनल रिकग्नाइज्ड क्या, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है वो देखें ना। उससे पहले कि दुनिया के 3 गरीब तरीन महंगे तरीन ममालिक में, सबसे महंगे ममालिक में दुनिया के जो है वो पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, तो आप ये बात मान लेंगे? वजीर आजम साहब ये बात क्यों नहीं मानते हैं कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महंगा मुल्क है? सही। चले लगारी साहब, अभी इस जेस्चर को आप किस तरह देख रहे हैं, सेशंस करना, आवाम से सवाल लेना, बतौर वजीर आजम खुद बात करना? बहुत अच्छा है, सलाम करते हैं, बहुत अच्छा। नहीं भी तो ये बात होती ना, अगर मुझे किसी किस्म का डर होगा तो मैं तो आवाम के साथ, मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, आदमी को इतना तो होना चाहिए कम अज कम इतना तो होना चाहिए। अच्छा चले जी, अब मैं इंतहाई आजाना और नरमी से बात कर रहा हूँ कि नहीं, कम अज कम इतना तो होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जनाब, और मामला आ गया सरकारी कर्जों का, जो कि मुमकिन डिफॉल्ट स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंकों को मोहतात रहने की हिदायत की है। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कमर्शियल बैंक हुकूमत के पास सरमायाकारी ज़्यादा हो रही है उनकी हुकूमत के साथ, और जो निजी शोबा है उसको उस तरीके से सरमायाकारी नहीं मिल रही सरहद के लिए, तजारत के लिए, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि सरकार है कि सरकारी कर्जों का मुमकिन डिफॉल्ट हो सकता है, तो स्टेट बैंक ने कमर्शियल बैंकों को बोला कि आप मोहतात रहें। मैंने इससे पहले कहा था, छोड़ दें और बातों को, सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, हमारी सर्विसेज को सर्वे उनको तनख्वाहें मिलती हैं या नहीं मिलती हैं, ये सवाल पैदा हो गया। ये अभी ने तराने गा रहे थे, और मन चे भी सरायम तंबूरा है, मन चे भी सरायत, मैं क्या गा रहा हूँ और मेरा जो तंबूरा है मैं जिसको बजा रहा हूँ वो क्या गा रहा है, वो कोई और गाना, स्टेट बैंक कोई और बात कह रहा है। वो कह रहा है आप डिफॉल्ट करने की तरफ जा रहे हैं, सरकार को कर्जे देने का बैंकों से कहा गया है कि बंद कर दो, जो आपने इनको आज़ादियाँ दी थी उनके नतज सामने आ रहे हैं, आपको ये सब मिलेगा कि आपने किस तरह से हुकूमत ने कर्जे लिए और किस तरह से उन्होंने जो है वो इस सारी सूरत हाल में मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले गए, ये स्टेट अच्छा, बैंक कह रहा है। एक बात जो मुझे समझ नहीं आ रही, अभी स्टेट बैंक कमर्शियल बैंकों को मोहतात रहने का बोल रहा है, लेकिन ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता कि स्टेट बैंक भी बैठे, हुकूमत भी बैठे, फिर ये डिसाइड हो कर्जे कितने मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या होगा, क्या उसको निकाल दिया गया था? नहीं, बात यह नहीं है, बात यह है कि हुकूमत के पास एक सोवरेन ऑटोनॉमी मौजूद है, और वो इस तरह से आकर जो है वो अपना वो कर रही है, उसके तहत कर्जे ले रही है। हुकूमत के लिए कर्जे लेना मुश्किल नहीं है, वो ले रही है कर्जे, लेती रही है। अब स्टेट बैंक को आपने सोवरेन कर दिया है, अब स्टेट बैंक जो है वो खुद
इनके कर्जों को रोकना चाहता है, ये पोजीशन हो गई है। अब ये कर्जे स्टेट बैंक, जिसको इनने इसके अख्तियार बढ़ाए हैं, वो हुकूमत के गले में फंदा डालेगा और कहेगा कि जनाब एक तरफ हो जाइए, आप कर्ज ले नहीं सकते हैं, अब आपके लिए कर्ज लेना। और उसने कमर्शियल बैंकों को, कौन कंट्रोल करता है बैंकों को, ये जो आपके जो दीगर बैंक्स हैं, इन तमाम बैंकों को जो निजी शोबे में है या अगर कोई सरकारी शोबे में, उसको कंट्रोल कौन करता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक ये वार्निंग कर रहा है इनको कि आप पब्लिक सेक्टर में कर्जे ले रहे हैं जिनका हमें उसकी वजह खतरा है कि डिफॉल्ट हो जाएगा, आप प्राइवेट सेक्टर में कर्जे नहीं दे रहे हैं कि लोग जो है तरक्की के लिए काम करें, लोग अगर ज़राअत में देंगे तो ज़राअत डेवलप करेगी, इंडस्ट्री में देंगे तो इंडस्ट्री डेवलप करेगी। सर डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है, 13,800 अरब है जो कि हुकूमत को दिया जा रहा है और 8,700 अरब है जो निजी शोबों को दिया जा रहा है कर्जों की मद में, डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये तो देखें ना आप इस फर्क की सूरत हाल, और फिर ये कि गवर्नमेंट डिलीवर क्या कर रही है, आप बैरूनी कर्जे लेते हैं, आप दूसरे इदारों से कर्जे लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेते हैं और दुनिया के दीगर कंसोर्शियम से जाकर कर्ज लेते हैं, उसके बाद और हाईएस्ट कर्जे लेते हैं आप, सही, और फिर उसके बाद अपने बैंकों को कंगाल करते हैं, अपने बैंकों से जाकर कर्जे लेते हैं, तो फिर आपका जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहां जाएगा? और अल्लाह ना करे मुल्क में कोई इमरजेंसी की सूरत हो, उसकी घंटी बजा दी है स्टेट बैंक ने। सही, चले आगे बढ़ते हैं लगारी साहब, एक और बहुत अहम मामला, रहीम यार खान में शेख सैद मेडिकल कॉलेज है जहां पर लाकानूनियत की हद पार हो गई है और एक डॉक्टर जो कि प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक अहमद साहब है उनका लाइसेंस मुअत्तल है, ओहदे पर फिर भी बड़ा जुमान है, किसकी इमा पर, किसकी पुश्त पनाही पर वो अपनी सीट पर बैठे हुए हैं, इस पर बात करेंगे। प्रेजिडेंट हेल्थ मैनेजमेंट और पंजाब फैसिलिटी कंपनी से जावेद अनवर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ये क्या मामला जावेद साहब? अच्छा मेरे ख्याल में जो जिनका आपने नाम लिया है वो इस पोजीशन पर नहीं, उनके बारे में बात हो रही है, आपके साथ ज्वाइन करना चाहिए जो आपके नुमाइंदा हैं रहीम यार खान में, अच्छा वो आपको ज्वाइन करेंगे। लगारी साहब मैं उनको भी लाइन पर लूंगी, एक ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, रहीम यार खान से खबर थी जहां पर प्रिंसिपल डॉक्टर तारिक अहमद लाइसेंस मुअत्तल होने के बावजूद अपने ओहदे पर बराजमान है और लाकानूनियत की हद है, ये मामला क्या है ये जानने के लिए हमने रब्ता किया रहीम यार खान से अपने नुमाइंदे नज़र अब्बास से। नज़र बताइएगा जी। बिल्कुल, ये नगरी साहब, ये डॉक्टर शेख मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर तारिक अहमद, जिनके खिलाफ निगत यास्मीन नामी ने एक एप्लीकेशन दी थी कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर तारिक अहमद से जो है उसके भाई की जो है वो मौत वाकई हुई थी, जिसकी इंक्वायरी कमेटी बनी। इंक्वायरी कमेटी ने अपना ये फैसला दिया कि डॉक्टर अहमद ना तो ऑपरेशन कर सकते हैं और ना ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इनका लाइसेंस जो है वो 2 साल के लिए मुअत्तल कर दिया गया था और इनका लाइसेंस जो है दिसंबर 2000 वो मुअत्तल है, लेकिन इसके बावजूद भी वो शेख रियाद मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के ओहदे पर जो है वो विराजमान है और तमाम मराज जो है वो ले हैं। इनके अभी जो मुअत्तली की मुद्दत है नजरबास, मुअत्तली की मुद्दत जो है उसको पूरा होने में भी 2022 में जाकर पूरी होती है वो मुद्दत, फिर भी फैसला किया जाएगा, तो क्या इस फैसले के बगैर ही इनको दे दिया गया है ये कि वो प्रिंसिपल के तौर पर बरकरार रहे? जी बिल्कुल, मेरे जो ज़राए के मुताबिक जो है ये एक सूबाई वजीर हैं, उनकी आशीर्वाद इनको हासिल है और ये गैर कानूनी तरीके से जो है वो प्रिंसिपल के ओहदे पर जो है वो इनको जो है फैज किया गया है और ये सवालिया निशान है पीटीआई की हुकूमत पर जो शफाफियत के जो है वो दावेदार है। नहीं, एक बात और भी है, जब उन पर पाबंदी है कि ना वो ऑपरेशन कर सकते हैं ना वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो क्या रहीम यार खान में अब वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और वो ऑपरेशन भी कर रहे हैं और प्रिंसिपल भी बने हुए हैं? जी बिल्कुल, ये प्रिंसिपल के ओहदे पर भी फैज है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, मरीज भी चेक कर रहे हैं और ये डॉक्टरों को तरबियत भी दे रहे हैं, डॉक्टरों को पढ़ा भी रहे हैं, जिनका लाइसेंस जो है वो कमेटी ने मुअत्तल किया हुआ है और
ये प्राइवेट तौर पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, सरकारी तौर पर भी मरीज देख रहे हैं और डॉक्टरों को डॉक्टर भी बना रहे हैं। डॉक्टर हम डॉक्टर यास्मीन राशिद तक की आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि जो कुछ हमारे इल्म में आया है वो ये है कि डॉक्टर तारिक अहमद रहीमयार खान में जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनका लाइसेंस बतौर डॉक्टर मुअत्तल हो चुका है दिसंबर 2020 से, मगर वो अब भी प्रिंसिपल हैं, अब भी वो बच्चों को पढ़ाते हैं, अब भी वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं और साथ में वो ऑपरेशन भी कर रहे हैं। तो जिनका लाइसेंस मुअत्तल हो चुका हो ये सब कुछ कैसे कर सकता है, ये तो बड़ी हैरान कौन बात है। क्या डॉक्टर यास्मीन इस तरफ तवज्जो फरमाएंगी? और ये नहीं हम डायरेक्ट जाकर वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी जो फेलुअर है सिस्टम का ये कैसे हो रहा है इसके बारे में वज़ारत सेहत बताएगी, सेक्रेटरी सेहत बताएंगे और वज़ीर सेहत बताएंगे कि ये सिलसिला किस तरह से चल रहा है। बिल्कुल सही नज़र अब्बास, बहुत शुक्रिया। पारी साहब, ये इतनी लाकानूनियत कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला नहीं होता? देखें, ये वो पंजाब है जिसके बारे में वज़ीर आज़म कहते हैं कि मेरा वसीम अकरम प्लस वहाँ मौजूद है। तो वसीम अकरम प्लस को ये मालूम होना चाहिए कि पिछले एक साल से, एक साल एक महीने से जिन डॉक्टर साहब की जो उनको सस्पेंड किया जा चुका है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, जिनको कहा गया है कि वो ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को प्रिंसिपल बनाया गया है मेडिकल कॉलेज का, शेख जैद मेडिकल कॉलेज का, वो प्रिंसिपल के तौर पर काम कर रहे हैं। न सिर्फ वो प्रिंसिपल हैं बल्कि वो बच्चों को जो वहाँ पर MBBS कर रहे हैं उनको भी गाइड भी कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि वो प्राइवेट तौर पर ऑपरेशन भी कर रहे हैं और प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो ये इन शॉर्ट मरीजों की जानों से खेल रहे हैं। इन शॉर्ट यही है, एक खातून ने जाकर शिकायत की थी कि उनके भाई इनकी लापरवाही की वजह से जो है मौत के मुंह में चले गए। निगत यास्मीन ने दरख्वास्त दी थी, इसके नतीजे में इंक्वायरी हुआ और इंक्वायरी में इनका लाइसेंस बतौर प्रैक्टिशनर मुअत्तल किया गया। उसके बावजूद प्रिंसिपल भी हैं और सब कुछ कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, मरात भी ले रहे हैं। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। आगे पंजाब के बुनियादी सेहत मरकज़ के मुलाजमीन इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुस्तकिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए जावेद अनवर साहब को स्टूडियोज़ में हमने दावत दी है, जो कि प्रेजिडेंट है हेल्थ मैनेजमेंट के। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आप लोगों के मुतालबात क्या क्या हैं और आपका आगे लाहे अमल क्या है? आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया, हम 2004 से अब तक पहले PRSP में और अब PHFMC में काम कर रहे हैं। जरा इसकी वजाहत करते जाएं जावेद साहब, ये जो आपने नाम लिए हैं इदारों के, काम करते रहे जावेद साहब, जिन इदारों के नाम लें इनके आपने वो शॉर्ट फॉर्म में बताया, ये पूरा बताएं कि इदारे क्या हैं, इनका नाम क्या है? सर ये पंजाब रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम 2004 में जो है ना, उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ अलाई साहब ने इनिशिएटिव लेते हुए इसको बनाया था। उस वक्त जो है ना हेल्थ ना होने के बराबर थी, तो जब ये 2004 में जो है ना PRSP यानी कि पंजाब रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम बनाया गया था, तो उसके बाद हमें ये गवर्नमेंट की सेंट्रल सोटे पर जो है ना तैनात कर दिया गया था। तो तैनात होने के 2004 से 2013 तक ये जो है ना 30 जून 2016 तक ये चली है। उसके बाद जो है ना इसको PHFMC यानी पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी ने जो है ना वो टेक ओवर कर लिया था। तो 13 साल जो है ना हमें जो है ना पंजाब जो है ना इस PRSP में रखा गया है और उसके बाद जो हमें PHFMC में कन्वर्ट कर दिया गया था बगैर किसी वक्फे के, बगैर किसी स्पेस के, यानी 13 साल हमें वो हमारे ज़ाया कर दिए गए। हमें 13 साल का जो है ना वो आज तक जो है ना पुरसाने हाल नहीं है हमारा, हमें वो पूछने वाला कोई नहीं। हमने इसमें कई दफ़ा गवर्नमेंट को याद दिलाया कि 13 साल हमारी एक उम्र का हिस्सा है, अभी हम ओवर एज होते जा रहे हैं, हमें कोई और डिपार्टमेंट भी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। हमारी पंजाब के जो है ना 14 अज़ला में ये हम लोग 9000 के करीब हम काम कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जो अभी हमें 18 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक इन्होंने ना तो हमें रेगुलर किया है ना ही हमारा सर्विस स्ट्रक्चर बनाया है। तो हम 2004 से अब तक जो है ना रेगुलर जब हम करने के लिए हम इनके पास सेक्रेटरी हेल्थ के पास गए हैं, वज़ीर सेहत के पास गए हैं, तो इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, बल्कि ये कहते हैं कि आप लोग है क्या, आप तो हमारा हिस्सा ही नहीं है, यानी कि आप प्रोग्राम है, प्रोग्राम को हमने इसलिए लॉन्च किया हुआ है कि अपनी मर्जी के लोग लगाएंगे।
आपका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, आप क्या करते हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स में आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? सर हम जो है ना बुनियादी मरकज सेहत जीआरडी बीएचयू और जो है ना रूरल डिस्पेंसरी और आरएसी में काम करते हैं। हम पैरामेडिक्स हैं और अलाइड स्टाफ हैं। हम मेडिकल टेक्नीशियन डिस्पेंसरी डिस्पेंसर्स एलएचवीज मिडवाइफ। आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो इदारे हैं, जो यूनिट्स हैं, उनमें काम कर रहे हैं? जी जी जी, हम जो सेक्रेटरी हेल्थ के सुपरविजन में जो ये बेसिक हेल्थ यूनिट हैं, आरडीज हैं, जीआरडीज हैं और आरआईसीज हैं, इनके अंडर काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने एक अंडर एक कंपनी बनाई हुई है, पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी, उसके अंडर हमें किया हुआ है। हमें उसके अंडर भी काम करते हुए 4 साल हो गए हैं। पहले 13 साल हमने पंजाब रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम में काम किया है और अब हमें जो है ना वो 4 साल इसके अंदर काम करते हुए, हमें टोटल 18 साल हो गए काम करते हुए। हम गवर्नमेंट के सेंट्रल सीटों पे काम करने के बावजूद भी हमें रेगुलर नहीं किया जा रहा। बहुत सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि हुकूमत ने मुलाजमीन से जान छुड़ाने के लिए आउटसोर्स जो है वो लोगों को लेना शुरू कर दिया है और अपने डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयमेंट नहीं लेते हैं, ये ठेकेदारों को ठेका दे देते हैं और वो ठेकेदार इनको मुलाजमीन फराहम करते हैं। हालांकि डिपार्टमेंट इनका अपना ही होता है, वहाँ जो लोग ठेका ले रहे हैं वो भी इनके अपने लोग होते हैं और इनके ज़रिए लोगों को सरकारी मुलाजमत में नहीं लिया जाता, प्राइवेट मुलाजमीन जो हैं वो भर्ती करके वो महकमा सेहत के हवाले कर दिए जाते हैं कि जनाब ये आपकी खिदमत करेंगे, हम आप हमें इतने पैसे दे दें। जो पैसे आप उस कंपनी को देते हैं जिसको आपने 9,000 मुलाजमीन का ठेका दिया हुआ है, अगर वही इनको परमानेंट करके और इनकी तनख्वाहों में इजाफा करें, सिंध गवर्नमेंट ने यहाँ किया है, यहाँ पर जो पोलियो सर्विसेज वाले हैं या दीगर सर्विसेज वाले हैं उनको परमानेंट भी किया, उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब जो है इस तरह के मजालिम कर रहा है कि लोग जो 9,000 इनके अपने ही यूनिटों में काम कर रहे हैं, इनके अपने इदारों में काम करते हैं और ये पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सें हैं, मेल नर्स हैं और जो सर्विसेज दे रहे हैं, एलएचवी हैं और मिडवाइफ्स हैं, वो काम कर रहे हैं और वो सूबाई हुकूमत के मातहत इदारे में ही काम करें, लेकिन जॉब उनकी जो है वो प्राइवेट है। ये इंतहाई जालिमाना इकदाम है और उनकी जो है तनख्वाहें परमानेंट, उनको परमानेंट किया जाना चाहिए, उनकी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर बनाना चाहिए और उनसे काम इस तरह लिया जाए जिस तरह से सरकारी मुलाजमीन। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि लोगों को हड हराम बनाया जाए कि सरकारी मुलाजिम बन जाए तो वो काम ही ना करें, उनसे पूरा काम सबसे लिया जाए, लेकिन उनको मराद दी जाए, उनको तनख्वाहें दी जाएँ, उनके बेनिफिट्स होने चाहिए, उनकी रिटायरमेंट के बाद भी बेनिफिट्स होने चाहिए जिस तरह से सरकारी मुलाजमीन के होते हैं, उनकी पेंशन होनी चाहिए, उनकी ग्रेजुएटी होनी चाहिए, उनका प्रोविडेंट फंड होना चाहिए, ये सारा कुछ उनको मराद तो मिलनी चाहिए। जावेद साहब, आप लोग एहतजाज कर रहे हैं, आप लोगों का आगे लाहे अमल क्या है? जी जी बिल्कुल मैम, हम जो है सेक्रेटरी हेल्थ को फ्राइडे को मिले हैं और हमने जो है ना एक बिल तैयार किया था, अमेंडमेंट बिल 2021, जो कि गवर्नमेंट का काम था लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही, इस वजह से हमने एक बिल तैयार करके दिया वन टाइम रिलैक्सेशन का, वो भी हमने पेश कर दिया वजीर अला के कैबिनेट के अजलास के में भेज दिया था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कुछ अभी तक कुछ नहीं किया। तो अभी एक जो है ना इन्होंने कमेटी बनी है, बिल अस रिकमेंडेड बाई द स्पेशल कमेटी नंबर 9। ये कमेटी वज़ीर आला पंजाब को ये अख्तियार देती है कि आप जो है ना किसी भी, इसके मुताबिक वज़ीर आला को हक हासिल है कि वो किसी भी जो मुलाजम को, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजम को एनटीएस और पीपीएस के जरिए लिए बगैर उसको रेगुलर कर सकती है। ये हम अभी इन्होंने कुछ दिन पहले ही, ये इनका एक लेटर भी मेरे पास मौजूद है जो जो कमेटी ने जो इनको अख्तियार दिया है वज़ीर आला पंजाब को, मैं कैमरे के सामने हूँ और दिखाता हूँ कि ये जो कमेटी नंबर 9 ने फैसला दिया और हक दिया पूरा इसको वज़ीर आला पंजाब को फैसला करने का, उसके अंदर ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये जो है ना वज़ीर आला पंजाब इसको रेगुलर कर सकते हैं अपने इस जो है जो मिला है वज़ीर आला पंजाब को, ये कमेटी नंबर 9 ने ये हक दिया जो है ना अप्रोच दिया कि इसके जरिए आप रेगुलर कर सकते हैं। नहीं, अगर उनके पास वज़ीर आला के पास बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस ये अख्तियार हासिल है कि वो लोगों को जो सरकारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको रेगुलर करें, रेगुलाइज करने के बाद उनके तमाम बेनिफिट्स, उनके तमाम मरात और उनके तमाम बाद रिटायरमेंट के भी मरात जो हैं वो उसको दे सकते हैं। और मेरे ख्याल में हुकूमत को तवज्जो करनी चाहिए इन बातों पर, हुकूमत ने जो वक्त ज़ाय किया है लोगों का, ये 13-13 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और उन लोगों के पास कोई भी
ये नहीं है कि वो उस डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, जबकि डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर उनको ये हक दिया जाता है तो ये वज़ीर आला का अपना ही एक 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 ऐसा इकदाम होगा जिसकी लोग तारीफ करेंगे। वरना ये सारी सूरत हाल तो सबके सामने है कि ये फेलुअर है इनका, कि अपने मुलाजमीन तक को 9000 मुलाजमीन जो हैं वो काम करते हैं उनको तहफ़ नहीं दे रहे हैं। हम इसमें इस फोरम से हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला पंजाब से, वज़ीर सेहत पंजाब से, सेक्रेटरी सेहत पंजाब से कि वो ये जो मुलाजमीन हैं इनके मसाइल को पर्सनल इंटरेस्ट के साथ देखें और इनके लिए जितने भी चीज़ें हैं इनको फौरन रेगुलाइज किया जाना चाहिए और इनके तमाम सर्विसेज स्ट्रक्चर बनाया जाना चाहिए। अच्छा, आपकी सैलरीज कितनी पेंडिंग है, इस हवाले से क्या कह रहे हैं? ये हमारी मैम, हमारा जो सैलरीज का इशू है ना, वो भी अभी जो हेल्थ का बंदा, हम एक ही सेंटर पे काम कर रहे हैं। अगर सीईओ हेल्थ उसे अपॉइंट करता है तो वो एक 16 ग्रेड के जो ऑफिसर है उसको वो 52,000 दे रहे हैं, और अगर उसे कंपनी अपॉइंट करती है तो वो उसे 18,000 रुपये दे रही है। ये देख लें कि काम हम हेल्थ से भी ज़्यादा कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब 2004 में ये पंजाब रूरल स्पोर्ट्स प्रोग्राम लाया गया था तो उस वक्त ये जो BAU RD और RIC का हाल ये था कि वहाँ जो है ना वो उस वक्त ये हाल था कि वहाँ की जो बिल्डिंग्स थी वो जो है ना भूत बंगलों की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और वहाँ घोड़ों की अस्तबल गाह का जो मंजर पेश हो रहा था। हम आए, लोगों ने वहाँ बिल्डिंग्स के ऊपर कब्जा कर किया हुआ था, हमने आके लोगों से लड़े, हमने लोगों से कहा कि ये देखें ये गवर्नमेंट का अस्पताल है, आप इसको कब्जा छोड़ें। हमने छुड़वा के वहाँ एक महीने में 30 पेशेंट होते थे, हमने उस मेहनत की, वहाँ एक दिन में 130 पेशेंट अभी आ रहे हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ एक महीने में 3000 OPD है। अब मैं ये काम करने का 18 साल बाद ये सिला दिया जा रहा है, ना तो हमें वो सर्विस स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, ना हमें रेगुलर किया जा रहा है। अभी ही हाल ही में जो है ना जो कंपनी एक्ट 2017 कहता है कि जो मुलाजम को जो है ना काम करते हैं वो जिस पोर्ट पर काम कर रहा है तो वो उसका सूरत हाल ये है कि कंपनी का कोई भी मुलाजम जो मुस्तकिल सीट पर 3 साल से काम कर रहा हो गवर्नमेंट की शुदा सीट पर तो उसको रेगुलर किया जा सकता है। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान कोई गैप ना हो। नंबर 3, जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा है उसकी तालीमी काबिलियत उसके ऊपर पूरा उतरती हो। नंबर 4, किसी भी आला अफसर ने उसके खिलाफ ना लिखा हो तो बिल्कुल होना चाहिए। और हमारी दरख्वास्त है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, वजीर सेहत पंजाब से कि प्लीज़ इस मामले को देखें और इनका कोई हल होना चाहिए। जिन्होंने इतनी मेहनत की है उनको सलाह मिलना चाहिए, उनको रेगुलराइज किया जाए, इनकी तनख्वाह इनको दी जाए। लगारी साहब आगे बढ़ेंगे, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स का हाल है और कोरोना जो है वो बढ़ता जा रहा है, फैलता जा रहा है, ये लोग जब परेशान होंगे तो किस तरह काम करेंगे दिल जमीन के साथ? अफसोस की बात है कि पंजाब के 14 ज़िला या 16 ज़िला में ये लोग काम कर रहे हैं और उसके लिए बाकायदा एक बड़ा इदारा कायम किया गया। अगर उसको आप सर्विसेज स्ट्रक्चर में उसको पंजाब हुकूमत का हिस्सा नहीं समझते तो आप पंजाब हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम डिपार्टमेंट्स में उनसे खिदमात ले रहे हैं। ये तो कितनी तकलीफ देह बात है कि जो आपका मुलाजिम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वो तो ले 52,000 रुपये और जो यहाँ काम कर रहा है वो सिर्फ 18,000 रुपये ले। ये तो एक बहुत बड़ी ज़्यादती है और आप इन 9,000 मुलाजमीन के साथ जुल्म कर रहे हैं। खुदारा इस जुल्म को बंद करें। बिल्कुल। अच्छा लगारी साहब, मैंने कोरोना वायरस की बात की जो कि तश्वीशनाक हद तक बढ़ रहा है, मुझे ये बताएगा कुछ ममालिक में ऐसा सुना गया है कि ओमिक्रोन को तो नॉर्मल फ्लू करार दे दिया गया है और बरतानिया ने भी नरमी कर दी है, तो क्या फिर अब इस वायरस के साथ जीना है तो यहाँ पर लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है? लेकिन जितनी तेज़ी के साथ ये फैल रहा है तो बड़ी तश्वीशनाक बात है। एक तो ये है कि हमारे यहाँ लोगों में ये अवेयरनेस होनी चाहिए। हम बार बार कहते रहें, एक से ज़ायद मरतबा हम कहते रहें कि तमाम SOPs का पूरे तौर पर ख्याल किया जाए। अगर हमने इसके साथ जीना है तो इसके आदाब हैं जीने के। हम जब अपने इसमें सवार होते हैं लिफ्ट में, अपने दफ्तर में, तो तमाम लोगों ने मास्क लगाया होता है। जब हम इस स्टूडियो से और यहाँ पर बैठे होने से बाद बाहर निकलते हैं तो फिर अपना मास्क लगाकर बाहर निकलते हैं। बिल्कुल। तमाम लोग अपने वर्क प्लेस पर, अपने घरों पर, तो जाहिर है उनके घर में अगर सब ठीक हैं तो जिस तरह से भी वो गुजार रहे हैं अपनी ज़िंदगी बेहतर, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग करें आप, हाथों को बार बार जो है वो धोएँ और उसके अलावा आप मास्क लगाएँ और ये सारी चीज़ें जो इन पर अमल करेंगे। अच्छा, वज़ीर आज़म ने भी इंडिया दिया है कि स्मार्ट लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। तो वज़ीर आज़म ने कहा है, जाहिर है आपको ज़िंदगी इसी के साथ गुजारनी है। अब जितना अब नज़ले के साथ रह रहे हैं, हम फ्लू के साथ रहते हैं, बहुत सी और बीमारियां हैं जिनके साथ हम रह रहे होते हैं, तो ये एक बीमारी आ गई है और उसके साथ हमने रहना है। तो बाकी जब आपको ख़तरा हो कि फ्लू हो सकता है तो जितने आप मेजर्स कर सकते हैं
कि आप अपने आप को ढांप पर रखें और अपने आप को जो है वो बहुत सी चीज़ें खट्टी चीज़ें इस्तेमाल ना करें, तो इस तरह की चीज़ों का भी हमें। मैंने कुछ खट्टा नहीं खाया। नहीं नहीं, मैं वैसे नहीं आपसे नहीं बात करूँ, मैं बिल्कुल नहीं ये मैं आपको कि आपने कोई खट्टी चीज़ खाई है। जाहिर है गला मौसम की वजह से, और शायद हो सकता है कि कोई ना कोई प्रिवेंटिव मेजर्स में वो हो गया हो, उसका ख्याल ना रखा गया हो, और कि सर्दी लग रही है या किस तरह से थ्रोट इन्फेक्शन होता है ना, तो थ्रोट इन्फेक्शन का कोई सबब होता है, तो उस वजह से जो है मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपने कोई चीज़ खट्टी खाई है, लेकिन बात यह है कि हमें अपनी सेहत के लिए बिल्कुल ख्याल करना बिल्कुल। है, और जिस तरह दीगर अमराज में ख्याल करना है, इसी तरह से हमने इसमें भी कोरोना में भी वो समझ लेना है कि भाई हमने कोरोना के साथ जिंदा रहना है तो किस तरह से जिंदा रहना है। वैक्सीनेशन करवाएं भाई, बिल्कुल बूस्टर डोज की। अच्छा जी, आखिर में महातीर मोहम्मद, बड़े ज़बरदस्त इंसान, कामयाब वज़ीर आज़म, जिनकी हालत तश्वीशनाक है, अस्पताल में दाखिल हैं, उनके शायद इंतकाल की खबरें भी चल रही थी, वो फेसबुक पे चल रही थी, लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि उनको दोबारा अस्पताल में दाखिल करवाया गया और उनकी हालत बताया जा रहा है कि तश्वीशनाक। हम उनकी सेहत के लिए दुआगो हैं। हम ये जानते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़े विजनरी स्टेटमैन के तौर पर मलेशिया को अपलिफ्ट किया और ऊपर लेकर गए हैं, और उन्होंने वहाँ के लोगों को वो नहीं किया है, उनको गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं फेंका है, वो लोगों को उन्होंने ऊपर किया है, स्टेट को ऊपर किया है, नए प्रोजेक्ट्स दिए हैं, नई चीज़ें दी हैं, उन्होंने कामयाबी से जमहूरियत को चलाया है, और उन्होंने कामयाबी से मलेशिया को कई मंजिलें ऊपर लेकर गए हैं। वैसे तो वज़ीर आज़म इमरान खान भी जब आए थे तो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के महातीर हमें अफसोस है, उनकी नाकामी का हमें अफसोस है, उन्हें जितने भी अपनी कामयाबियों का बार बार उनको याद दिलाया जाए कि आप कामयाब हो गए, हमें उनकी नाकामी का अफसोस है। लोगों ने उम्मीद बांध ली थी, लोगों ने यह सोच लिया था कि अब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, अब भी ये कह रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, जो नहीं लग रही हैं। इनके उसके बंद होते ही, तकरीर के बंद होते ही जब हमने स्टेट बैंक की रिपोर्ट देखी है, तो उसके बाद तो हमें देखना होना चाहिए ना कि पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है। और जब हमारे सरकारी दफातर की, हमारे सर्विसेज स्ट्रक्चर में ये बहरान खुदा ना खास्ता जो विजिबल है, नज़र आ रहा है, अगर वो आता है कि स्टेट बैंक कहे कि जी तनख्वाहें हम नहीं दे सकते, तो फिर क्या करेंगे आप? सही बात है। लेकिन लगारी साहब, हम एग्जांपल्स तो देते हैं, महातीर मोहम्मद की एग्जांपल भी हमने दी, हम लोग इनकी पॉलिसीज पर अमल दरामद क्यों नहीं कर पाते? इसलिए कि हमारे साथ, हमारे आस पास, हमारे इर्द गिर्द, हमारे आगे पीछे, हमारे दाएँ बाएँ माफियाज ने कंट्रोल कर रखा होता है। माफियाज सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखती हैं, वो स्टेट का, रियासत का, मासस का, इंसानों का इंटरेस्ट नहीं देखते हैं, उनको अपना इंटरेस्ट चाहिए, इनका घर भरा होना चाहिए, इनके पास खरबों अरबों होने चाहिए, जिसके पास एक करोड़ है उसके पास एक अरब होना चाहिए, जिसके पास एक अरब है एक खरब होना चाहिए, वो इस चक्कर में होते हैं और समेट कर अपनी दौलत धार लेते हैं और कहते हैं कि जनाब देखो ऐलान कर दिया हमने, फी का शरह आमदनी बढ़ गई। भाई फी का शरह आमदनी तो उसकी बढ़ेगी ना जिसकी पहले ही खरबों में थी और मजीद खरबों में हो गए, नीचे कहाँ गया है? नीचे नहीं जा रहा है, मासस में कुछ भी नहीं जा रहा है, मासस परेशान है, उनके लिए खाने के लाले पड़े हुए हैं, अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते, ये सूरत हाल है। और हमारी मईशत को जिस तरह से ये तरक्की के तराने सुना रहे हैं, वो मईशत हमें नज़र आएगी तो हम बड़े दिल से कहेंगे कि हाँ जी ठीक हो रहा है। चले, हमारी दुआ है कि महातीर मोहम्मद जल्द सेहतियाब हों, क्योंकि ऐसे लोगों की इस दुनिया को अभी भी ज़रूरत है। हाँ, यकीनन। इसके साथ ही नाजरीन, आपको और मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।